हेलो व्यूअर्स, दिस इज हेमंत फ्रॉम एक्सप्लोर मोर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अपनी मैं KTM सेल करने वाला हूँ, क्योंकि वो मेरे हाथ में बहुत ज़ोर से चल रही थी। तो मैं कल गया था करोल बाग, तो वहाँ जाके मैंने एक सेकेंड हैंड बाइक परचेज़ की है। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कौन सी बाइक परचेज़ की है। तो मैं पहुँच चुका हूँ करोल बाग, वही अपनी फेवरेट जगह बुद्धि राजा मोटर्स पर। तो यहाँ मैंने बहुत सारी बाइकें देखी, एक ए वाली देखी थी, एक ए वाली बुलेट देखी थी, यामा 250 देखी थी, KTM तो मैं बेचने आया हूँ। नेक्स्ट बाइक यही लूँगा जब भी स्पोर्ट्स लूँगा, Z800 हार्ले स्ट्रीट 750 2014 मॉडल, 280 डिमांड है और नेगोशिएबल है, हो जाएगा रेट। FZ250 भैया का क्या मांग रहे हैं? 95 2017 मॉडल है, हार्ले डेविडसन आयरन मॉडल 2016, 5.5 लाख डिमांड है। फाइनली मैंने ये थंडरबर्ड पसंद किया, रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड 500। तो मैं इसके टेस्ट ड्राइव लूँगा, फिर आपको बताता हूँ कि मैं इसको ले रहा हूँ या नहीं ले रहा। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया रॉयल इनफील्ड थंडरबर्ड 500, जो कि है 2015 मॉडल, जो मुझे यहाँ से पड़ी है 85,000 की। तो एड्रेस वही सेम है, बुद्धि राजा मोटर नई वाला रोड। यहाँ पर बहुत ऑप्शन है बाइक के, जो आपने वीडियो में भी देखे होंगे। तो चलिए राइड करते हैं अपनी। तो गाइज, अब मैं चला रहा हूँ अपनी नई रॉयल इनफील्ड थंडरबर्ड 500। तो गाइज, मैंने अपनी KTM बेच दी है, जिसको मुझे बेचने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, बट अफसोस मुझे वो बेचनी पड़ गई, क्योंकि इसमें कमी कुछ नहीं थी, वो बहुत ज़ोर से चल रही थी मेरे हाथ में, मिनिमम वो हाईवे पे चलती थी 150-160। तो फाइनली मैंने डिसाइड की थी अपनी थंडरबर्ड 500, ये 2015 मॉडल है और मुझे 85,000 की पड़ी है। ये बाइक 17,000 किलोमीटर चली है और फर्स्ट ऑनर है, और भैया ने बोला है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो जब भी लेके आ जाना, प्रॉब्लम होगी नहीं वैसे इसमें। KTM भी मैंने यहीं बुद्धि राजा मोटर्स से ली थी। होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मैं निकल रहा हूँ अपने घर की तरफ, और आने वाले टाइम में ट्रिप बनाएंगे रॉयल इनफील्ड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड बाय बाय।